अच्छा, ये आज की जो हमारी लैब है, इसका गोल है टू डिजाइन अ रैंडम काउंटर। ठीक है, और रैंडम काउंटर हमने डिजाइन करना है, और उसका जो सीक्वेंस हो इस तरह का हो। मल्टी फुल स्क्रीन कर दूं। 0, 7, 5, 3, 1 और 0, ये सीक्वेंस पे उस तरह का। ये डिजाइन किस तरह से करते हैं तो इसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसका प्रोसीजर ये है कि मैं पहले स्टेट डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसकी स्टेट टेबल बना लेता हूँ। तो इसका जो स्टेट डायग्राम बनेगी सर्किट की, वो इस तरह की बन जाएगी कि मेरे पास कितने स्टेट्स हैं इसमें। वन 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 से स्टार्ट होगा, 5 पे आएगा, 5 से आएगा 3, 3 से आएगा 1 और 1 से आएगा 0। टोटल 5 स्टेट्स हैं। इसमें कुछ स्टेट हमारी अनयूज स्टेट्स हैं, जैसे इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। उन स्टेट्स को हम एक्स कर देंगे। ये इसका सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस है। और ये सर्किट हमने बनाने यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये बन गया हमारा स्टेट डायग्राम। और इस स्टेट टेबल हमने बनानी है, तो वो ऑलरेडी मैंने बना ली है। वो ये होगी, वो किस तरह से बनाई है कि करंट स्टेट आपका नेक्स्ट स्टेट जे ए, जाहिर है 3 हमारे पास जो टोटल स्टेट्स हैं इस स्टेट डायग्राम की, वो 5 है। तो मुझे 2^n कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए कि कम से कम मेरे क्या हो जाए, 5 कवर हो जाए। 3 बिट का है, इसका मतलब है कि 2^3 अगर मैं करूँगा ना, तो मेरी 8 स्टेट्स हो जाएंगी, 0, 1 से लेकर टोटल 7 तक। कुछ अनयूज है, मगर मिनिमम मुझे कितने चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 जे के फ्लिप फ्लॉप। और हर एक जे के फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि दो इनपुट्स होती हैं, एक जे और एक के, तो मेरे पास टोटल इनपुट्स जो हो जाएंगी वो 6 हो जाएंगी, 6 इनपुट्स। ठीक है, इसका जो स्टेट बनेगा, स्टेट टेबल, वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के सी। तो करंट स्टेट में स्टार्ट कर रहा हूँ 7 से, 1 1 1 से, नेक्स्ट स्टेट बनेगी 1 0 1, फिर मेरी करंट स्टेट हो जाएगी 5 यानी 1 0 1 बाइनरी, और नेक्स्ट स्टेट बनेगी 0 1 1, 0 1 1 मेरी करंट स्टेट बनेगी, 0 0 1 मेरी नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी, 0 0 1 करंट स्टेट, 0 0 0 ये नेक्स्ट स्टेट बनेगी, 0 0 0 करंट स्टेट, 1 1 1 इज द नेक्स्ट स्टेट। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने जे ए के ए जे बी और के सी की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जे के फ्लिप फ्लॉप का मैं ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह का होता है, जे के क्यों क्यों बार और क्लॉक। क्योंकि सिंक्रोनस सर्किट बना रहे हैं, तो एवरी राइजिंग एज या एवरी फॉलिंग एज ये काम होगा। तो जे और के अगर दोनों जीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं नो चेंज, पुरानी वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी। जो क्यों पे पड़ा हुआ है वो क्यों पे आ जाएगा, जो क्यों बार पे पड़ा हुआ है क्यों बार पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों टी और क्यों ये क्यों, जो प्रीवियस वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी, इसलिए हमको कहते हैं नो चेंज स्टेट। अगर जे भी जीरो के भी जीरो, क्लॉक आएगी अगर जे वन होगा, जे जीरो होगा और के वन हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट, यानी क्यों जीरो हो जाएगा और क्यों बार वन हो जाएगा, इसका रीसेट स्टेट। ठीक है, क्लॉक 1 0
दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट, कि क्यू वन हो जाएगा और क्यू बार जीरो हो जाएगा. और लास्ट वन इज वन वन, इस कॉल्ड टॉगल. तो क्या हो जाएगा, क्यू में जो भी पड़ा हुआ है उस पर क्यू बार आ जाएगा, और जो क्यू पे पड़ा हुआ है उस पर क्यू बार में जो पड़ा हुआ है उस पर क्यू आ जाएगा. यानी पिछली वैल्यू का क्या हो जाएगा, टॉगल. पिछली वैल्यू अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास करंट स्टेट जीरो हो, चार सिनेरियो बनते हैं. एक सिनेरियो बनता है कि करंट स्टेट मेरे पास जीरो हो, ठीक है, करंट स्टेट. और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास जीरो हो, एक सिनेरियो ये बनता है. तो जे ए और के ए की वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है. एक केस तो ये बनता है कि दो केसेस में ऐसा हो सकता है. एक तो ये केस बनेगा रीसेट करा, इसमें आपकी आउटपुट जीरो होगी. इस केस में आपका जो जे होगा और के होगा, यानी जे जीरो हो जाएगा और के वन हो जाएगा. इस केस में मेरे पास आउटपुट जीरो हो जाएगी. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि पिछली वैल्यू भी जीरो है और अगली वैल्यू भी जीरो, इसका मतलब दिस इज नो चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हो रही. उस केस में मेरे पास जे भी जीरो होगा और के भी जीरो होगा. तो ये मिलके इसको मैं कह सकता हूँ कि इस केस में अगर मैं इसको एक ही स्टेट से रिप्रेजेंट करूँ तो जे जीरो रहेगा और के कुछ भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है. इसको मैं कहूँगा जीरो. यानी अगर करंट स्टेट जीरो होगी, नेक्स्ट स्टेट जीरो होगी, तो जे पे जीरो होगा और के पे जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है. इसको मैं कहूँगा जीरो एक्स. नेक्स्ट स्टेट बनती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि करंट वैल्यू आपकी करंट स्टेट जीरो हो, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाए, वन हो जाए. इसके दो पॉसिबल पॉसिबिलिटीज बनती है. एक तो ये केस बनता है कि ये रीसेट सेट हो रहा है ना, पहले जीरो था अब वन हो रहा है. उस केस में सेट स्टेट में क्या होगा कि के वन हो जाएगा और जे वन हो जाएगा, के आपका जीरो हो जाएगा. और दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये रीसेट, एक तो ये सेट हो गया ना, और दूसरा क्या, ये टॉगल हो रहा है, वन और वन. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1x, ठीक है. अगला 1 0 है, ठीक है, 1 0 है. तो 1 0, अच्छा, इसका मतलब ये है कि दो सिनेरियोस में बनते हैं. एक तो इस केस में ये बनता है कि ये रीसेट हो गया ना, कि k आपका 0 हो गया और जे आपका वन जीरो हो गया और के वन हो गया. और दूसरा सिनेरियो बनता है ये रीसेट हो गया, रीसेट हो गया एक सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो बनता है टॉगल हो गया वन वन. इस केस में आपका जो जे होगा वो एक्स हो जाएगा और के वन हो जाएगा. आखिरी पॉसिबिलिटी बनती है वन और वन. तो एक केस तो ये बनता है कि ये सेट हो गया ना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, वन हो गई है. एक केस बनता है सेट स्टेट का, और दूसरा केस बनता है कि ये नो चेंज है, पिछली वैल्यू रिपीट हो रही है. इसको मैं कहूंगा x 0, ठीक है. ये चार पॉसिबिलिटीज बन गई हैं. अब मैंने इन्हीं को यूज करके क्या करना है, ये स्टेट डायग्राम कंप्लीट कर. तो करंट स्टेट 5 हो गया, 5 से 3 हो गया, 3 से मैंने 1 जाना है जी सर, वन से फिर जीरो जाना. अच्छा, वन और वन से हो गया ये जीरो, जीरो और जीरो से ये हो गया सेवन, ऐसा ही है ना जी सर. अच्छा, ये हो गया आपका साथ में. सर मैं नोट करता जाऊं अभी? नहीं ना, ये मैं बाद में आपको वीडियो दे दूंगा, उसको देख लीजिए, ठीक है. तो 1-1 के लिए आपने कहा x 0 होगा, 1-0 के लिए x 1 होगा, 1-1 के लिए x 0 होगा. 1-0 है जी सर, तो x 1 हो जाएगा. 0-1 के लिए क्या होगा, 0-1 के लिए भी है और टॉगल भी है, तो ये 1x हो जाएगा ना जी, 1x हो जाएगा 0-1 के लिए. और 1-1 के लिए x 0 होगा, ऐसे ही है.
एक्स जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो के लिए क्या होगा? नो चेंज भी है, जीरो जीरो भी है और ये सेट भी है, जीरो वन भी है, ये जीरो एक्स हो जाएगा ना। जीरो जीरो एक्स हो जाएगा जीरो जीरो के, ठीक है। फिर वन जीरो है तो ये एक्स वन हो जाएगा जी। वन वन है तो एक्स जीरो, ठीक है। जीरो जीरो है तो जीरो जी, एक्स फिर जीरो जीरो है तो जीरो एक्स, फिर वन जीरो है जी तो एक्स वन, एक्स वन, ठीक है। जीरो वन है तो क्या होगा? एक्स जीरो वन है तो वन एक्स हो जाएगा। गलती की है ना मैंने, वन एक्स होगा, वन एक्स। जीरो वन है तो वन एक्स, जीरो वन है तो सेट भी हो गया और टॉगल भी है, यानी वन वन भी है और वन जीरो, तो वन एक्स होगा ना। जीरो वन वन एक्स होगा, बिल्कुल वन एक्स होगा ना जी जी। अच्छा इसी तरह फिर जीरो वन है तो क्या हो जाएगा? वन एक्स हो जाएगा। फिर जीरो वन है तो फिर वन एक्स, वन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ना स्टेट टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं जे ए के लिए, के ए के लिए और जे बी के बी के लिए के मैप्स क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। इधर आपने एहतियात करनी है, इसमें गलती का एहतमाल है जी। ठीक हो गया, ए बार A, B bar, C bar, B bar C, B C और B C bar, ठीक हो गया। अब आपने बताना है मुझे जीरो के लिए आउटपुट क्या है, ये आप इधर से बताओ मुझे ना। ये जीरो है, इसके लिए आउटपुट क्या है? वन है ना जे ए का। सर ऐसे क्यों करते हैं हम, जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं? ये के मैप इस तरह का है ना ये, अगर आपने आगे पीछे, अगर आप सेवन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप सेवन से कर दें, फिर आपको इधर एक्स लेना पड़ेगा ए बी सी, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपने इस तरह किया होता है कुछ और किया, इसी तरह से मैंने तरतीब से शुरू से मतलब पुट करता गया। चलो सेवन हो गया, फिर सिक्स कहाँ पे होगा? सिक्स ये वाला खाना होगा ना, ये वाला सिक्स इसके साथ होगा। हाँ बिल्कुल इसके साथ वाला होगा, वो एक्स है ना, वो एक्स है बिल्कुल। अच्छा फिर आपका फाइव नहीं है ना, नहीं फाइव है कि नहीं है? फाइव नहीं है सर, फाइव है, ये सिक्स नहीं था, सिक्स फाइव है, सिक्स नहीं है ना, ये जो अभी हमने किया ये सिक्स इसमें नहीं है ना, पीछे आएगा इस तरफ फाइव, बिल्कुल सिक्स नहीं है उसके पीछे आएगा फाइव, ये फाइव पहले नहीं है, तो जो नहीं है उसको एक्स कर दे आप, ठीक है, ठीक है। अच्छा और फिर आपके पास क्या है, थ्री है, फोर नहीं है जी, बिल्कुल फोर को मैंने एक्स कर दिया, और क्या है थ्री है, तो थ्री के लिए जीरो है जी, थ्री ये होगा ना, और टू के लिए भी जीरो है जी, और इसमें वन मिसिंग है, वो वन नहीं है, वन है। ये बनेगा ना जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन तो है ना सर, जीरो ए बार बी बार सी, तो ये जीरो जीरो वन नहीं बनेगा। हाँ 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 वन है तो ये जीरो हो जाएगा ना, और टू नहीं होगा उसको, हाँ, मैं एक्स करूँ, टू नहीं होगा ना, ये मैं गलती की, बिल्कुल बिल्कुल ये एक्स हो जाएगा और ये जीरो, ऐसा ही है ना, ये एक्स हो जाएगा जी और ये हो जाएगा जीरो जी। मैं बनाऊं सर आगे पेज पे? हाँ ये देखो एक मिनट मैं एक बना के देता हूँ, आपने इस तरह ही किया हुआ था जी, अब इससे आंसर क्या आएगा जी, बिल्कुल
अब ये सर सी तो खत्म, ए भी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया और बी भी खत्म हो गया, सी बार आ गया, बी भी खत्म हो गया, सी बार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा बनाता हूँ, आप वेट करो। ठीक है, जे ए सी बार, ठीक है, मैं अब दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है, ये बना रहा हूँ के ए के लिए, एक दो, ठीक है, ये बना रहा हूँ के ए के। इसी तरह बताते जाओ मुझे यूसुफ, आपने सेवन का इसमें क्या है, जीरो है, थोड़ा सा सर साइड पे कर देना, नहीं नजर आ रहा, नजर आ रहा है अब सर वो ये वाले लेंगे इनपुट्स। जी 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 बिल्कुल, ये सेवन जीरो हो गया, पहले सर, पहले सर सिक्स नहीं है, एक्स है, हाँ सिक्स नहीं है, फाइव के लिए क्या है, वन है, वन है बिल्कुल, और फोर नहीं है, थ्री है, उसके लिए एक्स आ जाएगा, थ्री के लिए एक्स आ जाएगा, हाँ फिर ठीक है, फिर टू नहीं है ना, और ये मैंने गलती की है जी, हाँ चले ये एक्स ही है, एक्स भी थ्री है, टू नहीं है तो वो भी एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ वन के लिए क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, और जीरो के लिए भी एक्स है, इसका मतलब है इसका अगर आप सॉल्व करेंगे ये बनेंगे ना चार, जी जी, के आंसर क्या आएगा, ए और ए बार खत्म हो जाएगा, बी बार आंसर आ जाएगा, जी वो खत्म हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको लिखता हूँ ना इस तरह लिखता हूँ ना, ए बार ए जी जी, बार, ये सर समझ आ गई, इसका दोबारा ना लिखो जी सर, ठीक है, सी बार, ठीक है, तो इससे आंसर क्या है, पहले वाले का लिखा हुआ ना उधर से मैंने देख लिया, हाँ बस ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, बी बार आ गया, बी बार ऐसे ही है ना, अभी पता चल जाता है ना। अच्छा ये देखें, अब हम आते हैं इसकी तरफ ना, जे बी की तरफ ना, अच्छा जे बी है तो बताओ आप क्या है इसकी आउटपुट्स, 5-1 हो जाएगा, अच्छा एक मिनट में लिख, 6x हो जाएगा, 6 है नहीं, एक मिनट, 7x हो गया, 5-1 हो गया, 6x हो जाएगा, और वो 4 क्या है, 4 भी x हो जाएगा क्योंकि वो नहीं, 4 नहीं है ना, वो भी x हो जाएगा, और 3 भी x है, जी नहीं 3 तो है लेकिन अगर इधर x है, है क्या, x है बिल्कुल, ठीक है x है, ये x हो गया, 3 भी आपका x हो गया, हाँ 2 बताओ क्या है, 2 x है सर, 2 है भी नहीं, 2 है भी नहीं, ठीक है x हो गया, तो बाकी क्या कौन से रह गए आपके पास, 0 और 1 रह गया ना, एक 0 है और एक 1, जी सर वो आ जाएगा 0-1, वो वैसे भी 0-1 है, 1 0 है और 0-1, इसमें 2 आ रहे हैं ना 1 अब आपके, तो इसमें 4 का बनेगा ना, 4 के 2 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक बिल्कुल नीचे 9 आ जाएगी बिल्कुल, एक ये बन जाएगा, इसमें ए बार ए तो खत्म हो गया, तो जे बी का आंसर आ जाएगा आपके पास, ए का आंसर आ जाएगा, ए वाले का आंसर क्या आएगा, ए आएगा ना, देखो ये ए बार है, नीचे वाले, हाँ नीचे वाले का आ जाएगा ए डॉट, ए आएगा ना सर, और साथ चार और चार आएगा, लेकिन इधर चार है जी सर, एक का ए बिल्कुल, एक का ए आएगा, जो दूसरे आपने चार बनाए हैं ना साइडों वाले, उनका आंसर आएगा सी बार, सी बार आ जाए, ए प्लस सी बार, ठीक है जी, और मेरा सर पहले आया, ठीक है
अब ये मैं कर रहा हूँ किसके लिए, के बी के लिए, के बी के लिए, के बी आप बताओ ना मुझे, 7-1 है और 6x हो जाएगा और 5x, तो 7 क्या हो गया 1, 6x है 5 भी x हो गया, अच्छा और उसके बाद क्या है 3 है 4 इसमें x हो जाएगा और 3 मेरे पास 1 है ना, ऐसे ही है जी, 3-1 है ना, और 2 तो है नहीं वो x हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा, 1 और 0 है वो x और x है ना, इसका क्या आंसर निकाला था आपने, यहाँ आपने गलती की होगी मुझे कंफर्म, इसका सर मैंने आंसर निकाला था 1, हाँ ये सही है, सारा बनता है ठीक है, आपने कहा था इसका 1 आएगा, हाँ ये सही है 1 आएगा बिल्कुल सही, उसको मैंने सर्किट में भी 1 दिया हुआ था ना नीचे, ठीक है परमानेंट 1 कर दिया था, ठीक है सही है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, जे सी ठीक है और के सी की तरफ ना, जी सर एक दो, चलो बताओ यूसुफ आप, ये एक्स 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 1 ये भी 1 ही आ जाएगा ना आंसर जो नहीं है, ठीक है 1-1 है बाकी सारा क्या है, ये सर मेरा गलत है, चलो कोई गलती आपकी निकल आई है ना जी, ये क्या है आपका क्या आया था पहले, पहले आया था क्यू नॉट बार, हाँ ये आपकी गलती, इसका क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है, 1 ही आएगा ना सारे, कोई इसमें 0 है ही नहीं, हाँ सारे कवर हो जाएंगे ना, ठीक है ठीक है, हाँ ये मेरी गलती है सर, चलें कोई गलती आप, अब बाकी 0 है 0 0 0 यानी 7 भी 0 5 भी 0 और 3 भी 0 ना, इनको मैं 0 कर देता हूँ, 7-0 है, ये भी मेरा गलत है सर, एक 7-0 है और 5 भी 0 है 3 भी 0 है, बाकी ये x है ये भी x है ये भी x है, इसमें 1-1 है वो है 2 मिला कर, हां 2 के ऊपर, हाँ ये सही है मेरा, 1-1 है वो 2 के ऊपर है और 0x है, हाँ तो इसका आपने क्या आंसर निकाला, मैंने इसका निकाला था q2 बार मल्टीप्लाई बाय q1 बार, हाँ तो ये देखो मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा a बार a जी, b बार c बार सही है, b बार c b c b c बार, ठीक हो गया, तो अब आप देख लो इससे आंसर आ जाएगा a बार b बार, बिल्कुल a बार, मैंने भी q2 बार लिखा हुआ था और अच्छा ये ले ये मल्टी सिम खोल लिया, बताओ मैंने कंपोनेंट्स जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करने, जी सर ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप मुझे 3 चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है याद रहे कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेबल में इसका नाम दे देता हूँ, दिस इज इसको मैं ए कह देता हूँ, ए को ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ,
ठीक है, और इसको मैं सी कह रहा ताकि उस लिहाज से नाम बन जाए वो, फिर वो हमारे लिए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो ना। जी जी वैसे मुझे ना सी को मैं एलिस भी यूज कर रहा हूँ ना, मुझे ये नाम यूं लिखने चाहिए थे, ख्याल में मुझे सी कहना चाहिए। कह रहे कि ऑलरेडी यूज है, चल मैं इसको सी वन कर देता हूँ फिर। मैं फिर इसको चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा ए। और इसको मैं नाम देता हूँ सी। अब सर्किट किस तरह का बनेगा यूसुफ आप बताओ। चलो ये देखो ना, पहली की जो इनपुट है ना ए वाली की, ये सी वाली है ना, तो सी जे सी पे जो इनपुट आएगी एक पे वन आ जाएगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी 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 हो रही है। जे सी पे वन आएगा सी पे भी वन आएगा, जे सी पे आएगा ए बार बी बार, ठीक है? जी सर बिल्कुल, ए बार बी बार। चले ए बार बी बार को मैं एंड कर देता हूँ, मुझे एक सर्किट एक मैं ले लेता हूँ एंड गेट, ठीक है जी। तो ए बार कौन सा होगा, ये लिए एक और ये तीन उसका मिला, तो ये ए बार है, ठीक है, और ये आपका हो गया बी बार। सही है बिल्कुल, ठीक है। बी बार नीचे वाला नहीं आएगा सर, बी बार ले रहे हैं ना। हाँ हाँ ये मैंने गलती क्यों ले लिया, ए बार भी गलती की और बी बार दोनों भी, ये बी बार हो गया जी। ए बार बी बार हम दे रहे हैं सर के सी को। हाँ ये आ गया हमारे पास केसी, ठीक है जी सर। और अब मैं इनपुट्स में जाता हूँ ना, कंपोनेंट्स में, ये इधर मेरे पास होंगे इनपुट्स, बल्कि सोर्सेज में चला जाता हूँ। सोर्सेज में ये डिजिटल सोर्स है ना, इधर आपको ये इंटरैक्टिव कांस्टेंट ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे दो तीन चाहिए तो मैं पकड़ के रख लेता हूँ मेरे पास, ठीक है। ज्यादा बच गए तो फिर हम, अच्छा इसको हमने जे सी को दे दें वन, ऐसा ही है जी बिल्कुल। जे सी को बन देना, जे सी को हमने वन कर दिया, के सी को हमने ए बार एंड बी बार से कनेक्ट कर दिया, एक हो गया जी। अब हम आते हैं जे बी पे, तो जे बी पे मुझे और गेट चाहिए ना, ए और सी बार, ठीक है, उसको मुझे क्या करना चाहिए, और करना चाहिए जी। तो मैं इधर आता हूँ, एक और गेट लेता हूँ, और गेट कैसे सर दोबारा बता, एंड नहीं लेना हमने, प्लस नहीं है, मैं बताता हूँ दिखाता हूँ आपको यूसुफ, परेशान ना हो। ये देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, जे बी पे ए और सी बार। सही सही सही, ये मेरा गलत था सर, मैंने तो डॉट लगाया हुआ था जे बी। हाँ तो यही ना, यही आप छोटी मोटी गलतियां की हैं आपने, ए ये ए आ गया जी, और ये आपके पास सी आ गया ना, सी बार चाहिए ना मुझे बल्कि। हाँ सी बार, ए प्लस सी बार चाहिए। हाँ ये मैं इनपुट दूंगा किसको, जे बी को, जे बी को दे दिया, ठीक है बी को। अब हम आते हैं किसकी तरफ,
KB is one. KB one है, ठीक है. वो पहले one दिया होगा, उसी के साथ attach कर. उसी के साथ attach. Clear है? Clear है. Clock में बाद में करता हूँ, पहले digital input. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, जे ए और के ए की तरफ. जे ए के ए, के ए को बी बार देना है. जे ए को हमने क्या देना है? जे ए को देना है सी बार. सी बार, ठीक है. और जे बी के ए को हमने देने बी बार, ठीक है. बिल्कुल, के ए को बी बार देने. इधर मैं लिख लेता हूँ सर, मेरे पास लिखा हुआ है सर जे ए. हाँ, मैंने इधर लिखा भी है साइड पे, इधर लिखा हुआ है. और के ए को आप लिखा हुआ सर, ये लिखा है बी बार, ठीक है. के ए को बी बार, ये तो सिंपल है, इसमें गेट की जरूरत नहीं है. एक को सी बार के साथ करेक्ट कर देते हैं, दूसरे को बी बार के साथ करें. जी, जे ए को सी बार से करें पहले. बोले और के ए को किससे कनेक्ट करना है, बी बार से. जी सर, के ए को बी बार से करें. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेट्स वाले को सबको कॉमन कर देते हैं और इसको एक इनपुट दे देते हैं. ठीक है, वन देंगे जीरो, फिलहाल इसको जीरो देते हैं ना. जब वन करना होगा तो सेट करना होगा तो हम वन कर देंगे. इसको मैं नाम देता हूँ सेट. ठीक है, अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ. इसको हम रीसेट के साथ कनेक्ट कर सबको, इसको फिलहाल मैं जीरो रखता हूँ. वन वन पे ये सेट हो जाएगा ना. ठीक है, जब मुझे करना होगा इसको मैं ना रीनेम करके क्या देता हूँ, रीसेट. और मुझे क्या क्लॉक चाहिए, कंपोनेंट्स में मैं जाऊंगा, सोर्सेज में, और ये डिजिटल सोर्स में ये मुझे क्लॉक मिल जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं खुद बहुत एडजस्ट कर लेता. मैं क्योंकि सिंक्रोनस बना रहा हूँ तो सबकी क्लॉक क्या होगी, कॉमन होगी. इसको मैं फ्रीक्वेंसी इसकी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 100 हर्ट्ज़. ठीक है, 5 कर दें, वो फिर पता नहीं चलेगा. चलिए वो मैं कर लेता हूँ. क्लियर है? अच्छा, इसको मैं 10 कर लगाए जी, 10 कर. अब वो हेक्स भी लगाने. ठीक है, डिस्प्ले में जाऊंगा, इंडिकेटर्स में. जी जी, बार ग्राफ पे हेक्स डिस्प्ले लगा दे. ये वाला चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, ये वाला चाहिए. की रिपोर्ट में देख लेता हूं कि पहली वाली इनपुट कॉस्ट कौन सी है. अब आप बताओ. चलो ये मैं प्लेस कर लेता हूं. यूसुफ आप बताओ, मैंने इसके कनेक्शन किस तरह से करने सर? जो इसकी फर्स्ट वाली है ना, ये फर्स्ट वाली, इस साइड से, इस साइड से हां, उसको ग्राउंड करेंगे. ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ये वाली. इस वाली को जी ग्राउंड करने की जरूरत है. चार इनपुट्स नहीं जाती इसमें? नहीं, इन तीन जाती है, 3-bit है ना? नहीं, 3-bit है वो, तो आप वैसे ग्राउंड करो, ग्राउंड करने की जरूरत नहीं होती. चले मैं कर लेता हूँ. यानी इसका मतलब है ये MSB है ना? जी, ग्राउंड से बेहतर है मैं इसको जीरो कर देता ना. जी, वो भी तो ग्राउंड भी तो जीरो है. हाँ, या एक ही चीज है.
मैं ये भी कर सकता था किसको जीरो। अच्छा चले, अब बताओ इसको मैं ए के साथ कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वाले को ए के साथ, फिर दूसरे वाले को बी के साथ, बी के साथ, ठीक है, और सी के साथ। चलो बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर लें। ठीक है यूसुफ सर, ये तो कमाल हो गया है। सही है, इसने सर बड़ा जलील किया था। बेहतरीन सर, बेहतरीन हो गया। दो गलतियां थी ना मेरी, एक जे बी की थी, उधर मैंने प्लस नहीं डॉट लगाया हुआ था,